गुड मॉर्निंग, कमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मुमल राठौर व्लॉग्स में। वह मेरे आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह 9 बजे से। अभी अभी जस्ट मैं शावर लेके आई हूँ और अभी मुझे होना रेडी, फटाफट से निकलूँगी टाइपिंग क्लासेस के लिए, क्योंकि 10 बजे होती है मेरी टाइपिंग क्लास और 9 बज चुकी है ऑलरेडी। तो नाश्ता वाश्ता करूँगी, पूजा वूजा करूँगी, जितने में 10 बजी जाएगी। तो फटाफट से होती हूँ रेडी और उसके बाद निकलने वाली हूँ। और मैं कपड़े भाई घर के ही पहन के जाती हूँ, मैं कोई अलग से बाहर कपड़े पहन के जाती नहीं हूँ। चलिए करते हैं सबसे पहले अपना स्किन केयर और उसके बाद में करेंगे पूजा। गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी बज रहे हैं शाम के, आई थिंक 4 साढ़े 4 बज रहे हैं अभी शाम के। और अभी मतलब मैंने दादी सा वगैरह के लिए चाय वाय बना दी, सब कुछ कर दिया। और जो मेरे सासू माँ हैं वो आज गए हैं खुद के पीहर, मतलब मेरे नानी सास ससुराल गए हैं वो, क्योंकि उन्हें अपने मम्मी मॉम डैड से मिलना था और नानोसा का कोई माइनर एक्सीडेंट हो गया तो मम्मी का मन नहीं माना और मम्मा चले गए। मैंने उन्हें बोला कि मम्मा आप मिल के आओ, बेफिक्र, मैं घर संभाल लूँगी और मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तो मम्मा जा चुके हैं, आज मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है। तो चलिए देखते हैं, अभी दादी से पूछेंगे कि क्या बनाना है सब्जी में क्या नहीं, और सबको पूछना पड़ेगा। गाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप लोग मेरा जो वेडिंग एल्बम है वो देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो मेरा वेडिंग एल्बम पे लेके आऊँगी। और हाँ गाइज़, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस मतलब अभी आपको कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं फॉर श्योर उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ। और अब आप सभी को पता है जयपुर में बहुत अच्छा मौसम हो चुका है और अब मतलब धूप भी बहुत अच्छी आने लगी है, 2-3 दिन हो चुके हैं धूप अच्छी आते हुए। आप देख सकते हैं धूप बहुत अच्छी आ रही है, आज मेरा मन कर रहा है छत पे बैठने का, बट मैं जो धूप है ना वो थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मेरे ना ऐसा आप लोग नोटिस कर रहे होंगे दाने दाने हो जाते हैं पूरे फेस पर धूप में बैठते ही। आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो धूप में मैं बैठना ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। तो चलिए आज पूछते हैं दादी सा हुकुम से कि क्या बनाए सब्जी में क्या नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे है ना सबको संभालने का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है गाइस। वैसे तो मैंने बहुत बार संभाला है बट आई विल ट्राई आज, क्योंकि दादी सा हुकुम आए हुए हैं। दादी सा के साथ मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा ये एक्सपीरियंस। तो देखते हैं दादी सा से पूछूंगी भी लास्ट में फीडबैक। मम्मा आएंगे परसों आई थिंक, या तो कल तो नहीं आ सकते क्योंकि कल है सैटरडे। आप सभी को पता है सैटरडे को बेटी भी हर से वापस ससुराल नहीं आती है, तो कल तो शायद ही आएंगे मम्मा, तो परसों आएंगे। और परसों तक मुझे ही घर मैनेज करना है, सब कुछ करना है, मेरी टाइपिंग क्लासेस भी मुझे 2-3 दिन के लिए रोकनी पड़ेगी। आज तो वैसे मैं जाके आई थी, बस कल के लिए रोकनी है, परसों तो मैं चली जाऊंगी। और परसों तो आई थिंक संक्रांत की छुट्टी भी होगी, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। तो चलिए ये बने रहेगा मेरे व्लॉग में एंड तक। तो गाइस सबसे पहले बालों को बांध के और टोपा लगा के और चलते हैं सब्जियों की कटिंग करते हैं, चॉप करेंगे सब्जियाँ, देखते हैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। मुझे तो लग रहा है गाजर मटर ही बना लेना चाहिए अभी तो फिलहाल, क्योंकि वो मुझे तो बहुत अच्छी सब्जी लगती है इस गाजर मटर की। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसी लगती है। और गाइस सही बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आप लोग मेरे व्लॉग्स में भी देख रहे होंगे मैं कैसे शॉल वॉल पहन के बहुत मतलब ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है शुरू से, मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। मैं छोटी सी थी ना तभी से, अभी से नहीं है ये सीन। तो गर्मी भी उतनी लगती है, साथ में सर्दी भी उतनी लगती है, इसका कोई इलाज है नहीं। तो चलिए गाइस दादी सा तो जा चुके हैं मंदिर, वो डेली शाम को मंदिर जाते हैं, लेडीज़ भजन वगैरह करती है ना तो उनके साथ भजन वगैरह करते हैं, वो डेली मंदिर जाते हैं। तो ना पापा आए हैं अभी और मैं जब तक सब्जी वगैरह बना के रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ, और जब शाम को वो आएंगे तो गरम गरम रोटियाँ सेक देंगे हम सभी के लिए। तो चलिए चलते हैं किचन में फिलहाल। और गाइस यार आजकल है ना मैं व्लॉग वगैरह कुछ भी कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना कि यार जिसे व्लॉग नहीं डालते ऐसा कुछ, व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी बट यार अभी सिचुएशंस कुछ ऐसी हो रही है ससुराल में, हर चीज़ मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। साथ ही जब आपका बिजी शेड्यूल हो, आप सभी को पता है दादी सा भी आ रखे हैं, साथ में मैं टाइपिंग क्लासेस भी जाती हूँ, तो एडिटिंग करना अपलोड करना ये मतलब मैं व्लॉग शूट भी कर लेती हूँ ना तो मुझे एडिटिंग में इतना जोर आता है ना गाइस, रात को मतलब रात को करनी होती है बेसिकली एडिटिंग, बट मैं क्या करती हूँ सो जाती हूँ।
आप सभी को पता है रात होती है बिल्कुल इतनी सी, तो उसमें ना रात को वेस्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और मैं फटाफट से मेरा मतलब किचन का काम किया और जाके तो मैं ऐसा सोती हूँ ना कि मैं सुबह है ना उठती हूँ, मेरी आंख खुलती है सुबह 5:30 बजे, फिर मैं वापस टाइम देखती रहती हूँ, फिर मैं उठती हूँ 6 बजे आराम से। तो ये मेरा रूटीन रहता है गाइज। आई एम सो सॉरी फॉर डिसकंटिन्यूइंग माई व्लॉग, बट अब मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा पूरा कि मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू रहे। नहीं तो गाना भी गाओ साथ में। यार मेरे को आता नहीं है। आपको आता है, अभी गा रहे थे आप, बहुत अच्छा गाया था आपने, अभी गाया था ना ठुमक ठुमक वाला। ठुमक ठुमक वाला हाँ, डांस भी करो गाओ दोनों साथ करो। ठुमक ठुमक जपे दिशा ठू अरे वेला और आगे नहीं आता तो दूसरा गा लो, कोई दूसरे पे कर लो। खट्टू वाले स्वाम जी का माल हो गया बंदा तेरा माला माला माल हो गया, भोले बाबा दे दे नोट 56 की मशीन सबके बजा दू भी क्या टू लाटा रहे। चिकली उड़ी तो उड़ सकी बस में चढ़ी तो सटना मिली, सटना मिली तो लोने लगी तो ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास पास में मेरा घर। अरे वाह चोचो। लाल टमाटर बड़ा मजेदार एक दिन उसको चूहों ने खाया, बड़ों को भी मर गया, दो चूहे थे मोटे मोटे थे नाच रहे थे गा रहे थे, बिल्ली ने बोला मैं आप काट डालोगी मार डालोगी हम तो नहीं आएंगे हम तो भाग जाएंगे। तो जो जो ये पोयम आपको स्कूल में सिखाई थी है? स्कूल में सिखाई थी क्या? हाँ। वाह यार आती है, आती है इतने दिन तो। तो गाइस मुझे तो है ना गाजर मटर का मन कर रहा है, वैसे तो सब्जी ये भी है ये भी है और लौकी भी रखी हुई है, ये तो मम्मी ने सुबह ही बनाए थे यार, इनको तो क्या ही बनाना। वैसे हमारे सर्दियों में ना कोई भी सब्जी फ्रिज के अंदर हम नहीं रखते हैं, हम सारी सब्जियां बाहर ही रखते हैं क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा मतलब ओवर कोल्ड हो जाती है और है ना इनका टेस्ट भी थोड़ा अजीब हो जाता है, तो हम लोग सर्दियों में बाहर ही रखते हैं सब्जियाँ। आज बना ली गाजर और मटर आई थिंक यहाँ रखे हुए हैं, ये रखे मटर बनाएंगे, गाजर मटर बनाते हैं। तो चलिए तो गाइस गाजर मटर की सब्जी डन हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। और आप लोग है ना कमेंट करके बताना किस किस की गाजर मटर की सब्जी फेवरेट है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, फेवरेट नहीं कह सकते बट अच्छी लगती है। तो चलिए हम गाजर मटर की सब्जी चॉप करेंगे आज बाहर बैठ के, बड़ा मन कर रहा था मेरा यहाँ बैठने का क्योंकि आज कोई है भी नहीं तो यहाँ बैठ के हम आराम से चॉपिंग कर सकते। तो चलिए गाइस। तो गाइस जो बच्ची आपने अभी देखी थी वो है हमारी कॉलोनी की छोटी सी बच्ची, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत मतलब डॉन है, उसको हमारी पूरी कॉलोनी में बुलाते हैं जो जो डॉन। और मैं कर रही थी यहाँ पे अभी सब्जी की कटिंग और उसके बाद बनानी थी मुझे सब्जियाँ। तो गाइस मैं दादी सा के लिए बना रही हूँ चाय क्योंकि दादी सा कुछ पी नहीं थी चाय। सब्जी मैंने बना दी है और अभी थोड़ी देर में पक जाएगी, तब तक मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ और उसके बाद आटा लगा के मैं रख दूंगी। तो गाइस बिग बॉस के फैन देखिए आप, यार कितने रैप गाने सुने ना आपके। अच्छा कौन से गाने? एनी टाइम बिग बॉस देखते रहते हैं भाई, बिग बॉस के फैन देख रहे हो आप। आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा आया होगा। और खाना खा के फिर मैं सो चुकी थी।